के अंदर भी बैलेंस पोस्टिंग मिलता है, लेकिन ये एक्सल से ऊपर चलता है। इसकी बाहरी आवाज़ है ट्रैक्टर की, इसकी आवाज़ ज़्यादा नहीं बदल रही, यानी कि इस पर ट्रैक्टर पर लोड कम पड़ रहा पूरा स्ट्रिंग मोड़ने के बाद भी। डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिलता है कंपनी फिट, चार क्विंटल 60 किलो का इसका मिलेगा जो कि सुपर प्लस का है, और चार क्विंटल 50 किलो का ट्रैक्टर मिला, 10 किलो इंजन में भी फर्क है। नमस्कार सभी किसान भाइयों के लिए, तो आज सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत किसानों के द्वारा सुना गया है कि हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे साथ 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लिए, सेम मॉडल हमें भी लिया है, सेम मॉडल हमने ख़रीदा। बहुत कंपनी में ऐसा होता है, ये नहीं कि आयसर की बता रहा हूँ मैं, तो आज भी 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा लेते हैं कंपनी वाले, क्यों लेते हैं वो आपको मैं बताऊँगा, उसका फ़ायदा है या आपके साथ स्कैम होता है, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो वीडियो साथ बनाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ घंटे वाले बटन को जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो बात करते हैं इस ट्रैक्टर में ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो आयसर 551 फाइव स्टार ये खड़ा, और इधर भी आपको दिखा रहा हूँ मैं आयसर 551 फाइव स्टार, देख सकते हो इधर भी खड़ा है। अब अंतर बताता हूँ, अंतर क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर सुपर प्लस की कोई बैजिंग नहीं मिलती, आप सोच रहे हो सुपर प्लस तो कोई भी लिख सकता है, इसका अंतर क्या होता है। इसके अंदर देख सकते हो सिंपल मरगार्ड मिलते हैं, कोई अंतर नहीं, ठीक है ना, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसके अंदर देख सकते हो 1428 के टायर मिलते हैं पीछे के, दो चीज़। तीसरी चीज़ इसके जो पास्टिंग है इसके अंदर भी बैलेंस पास्टिंग मिलता है, लेकिन ये एक्सल से ऊपर चलता है, ठीक है ना, सीधी पट्टी वाला मिलेगा इधर, ठीक है, देख सकते हो आप। तीन चीज़, चौथी चीज़ आप इसमें देख सकते हो इसके अंदर जो इंजन मिलता है, मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ क्या है, 320D49 इंजन का नाम, ठीक है ना। चार चीज़ याद रखना आप, चार चीज़ उस ट्रैक्टर की देखते हैं अंदर क्या मिलता है। तो जैसे आप देखते हो दूसरे मॉडल पर आ गए, ठीक है ना, इसके अंदर देख सकते हो सबसे पहले फेंडर, ये आपको 557-650 में जैसे मिलते हैं ना स्पोर्टी, कुछ इस तरह के मिलेंगे जो कि सुंदर बहुत है। सुपर प्लस की बैजिंग 3D में मिल ही जाती है, लेकिन इसका कोई इतना बड़ा फर्क नहीं, लेकिन ये जी जो कंपनी लगा दी है इसका कुछ ना कुछ बात तो है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर, आप देख सकते हो पावर स्टरिंग इसके नीचे भी, इसका भी चलता है बैलेंस पावर स्टरिंग, इसकी जो रोड है वो मोटी है, नीचे की तरफ है, एक्सल से नीचे है, देख सकते हो इसकी जो ये है ये घुमावदार है, ठीक है ना। इसके नीचे देख सकते हो सेफ्टी गार्ड प्लेट लगा देती कंपनी। आप बढ़ते हैं इंजन की, मैंने चौथी चीज़ दिखाई थी इंजन, उसका अंदर था 320D49, इसके अंदर देख सकते हो इंजन, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, 320DED, इसके अंदर जो इंजन है वो 557 से रिजेंबल है। और इस ट्रैक्टर के इंजन की इतनी खास बात है, सबसे ज़्यादा भारी वजन मिलता है इसके इंजन का, 460 kg, इतना भारी इंजन का ट्रैक्टर आपको दूसरा इस श्रेणी में कोई देखने को नहीं मिलेगा। 50 HP कैटेगरी ट्रैक्टर दोनों ही, ठीक है ना। अब और फर्क दिखाता हूँ, चार अंतर तो आपको मैंने दिखा दिए, अब पांचवा अंतर दिखाता हूँ इसी ट्रैक्टर के अंदर जो सुपर प्लस है। तो जैसा आप देखते हो इसके अंदर डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिलता है कंपनी फिट, ठीक है ना, देख सकते हो इधर। इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 19.5 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है, ठीक है, दो अंतर हो गए। फुल मैकेनिज्म के साथ मिलते हैं, इसका लीवर चलाने का ये रहा AUX। अब आ गया हम इसके दूसरे मॉडल पे, ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हो कोई भी डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल नहीं मिलता इसके अंदर, सिंगल मिलेगा वो भी मैकेनिकल, ठीक है ना, और ना इसके अंदर कोई लीवर मिलता है। इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है ट्रैक्टर की वो है 17.5 क्विंटल की, तो लिफ्टिंग कैपेसिटी में अंतर आ गया, तो 6 अंतर होगी। अभी बात करते हैं हम इसके जो इसमें और बड़ा अंतर मिलता है इसके, देख सकते हो इसका भी हमने बोनट खोल रखा और दूसरे का भी बोनट हमने खोल रखा है। अगर मान लिया आपने इसका बोनट खोल रखा जो कि आगे की तरफ गिर जाता है, कोई मिस्त्री इसमें काम कर रहा है या कोई भी बंदा काम कर रहा है, किसी भी ऐसे हवा से है या किसी के हाथ मारने से कोई गिरना चाहे तो ये गिर जाएगा, जिससे आपको दुर्घटना भी हो सकती है, ठीक है ना, हाथ वात भीग सकता है, देख सकते हो ऐसे गिर गया। अब चलते हैं इस वाले ट्रैक्टर पर, इसका आप बोनट गिरने की कोशिश करोगे तो उसका बोनट नहीं गिरने का, देख सकते हो मैं जोर लगा रहा हूँ, देख सकते हो पूरा बोनट हिला लेकिन ये गिरने का नहीं, क्यों, उसका कारण है इसका लॉक, यहाँ पे लॉक लग जाता है, जब तक ये लॉक नहीं हटानोगे ना तो आपका बोनट नहीं गिरेगा। ये 557 और 650 के अंदर ये सिस्टम मिलता है, सेफ्टी पॉइंट है। इंजन में 4.5 क्विंटल 60 किलो का इसका मिलेगा जो कि सुपर प्लस का है, और 4 क्विंटल 50 किलो का ट्रैक्टर मिलेगा, 10 किलो इंजन में भी फर्क है, क्योंकि जो इसका इंजन है वो रिजेंबल है 557 से, ठीक है ना। अब करते हैं हम अगले अंतर की बात, इस ट्रैक्टर की जो PT हॉर्स पावर है वो कम है इसकी, यानी डीजल खपत कम है ट्रैक्टर की, जो सिंपल मॉडल इसका 551 का, इसकी है 258 ग्राम किलोवाट प्रति घंटे की। PT हॉर्स पावर है इसकी 43 हॉर्स पावर की, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार कोशिश करना आपको दिख जाए,
थोड़ा अंधेरे में आ रहा, दिखना थोड़ा मुश्किल है। अब चलते हैं दूसरे ट्रैक्टर पे। ये आ गया हमारा सुपर प्लस। इसके अंदर जो पीटीओ हॉर्स पावर मिलेगी वो मिलती है आपको 265 ग्राम किलोवाट प्रति घंटे की। वो जो पीटीओ हॉर्स पावर है ना इसकी, वो मिलती है 45 हॉर्स पावर, यानी दो हॉर्स पावर पीटीओ भी इसकी बड़ी है। डीजल खपत ऑलमोस्ट इसकी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी पीटीओ हॉर्स पावर भी ज़्यादा है और इसकी एसएफसी भी ज़्यादा है, ठीक है ना, ये अंतर है। तो ट्रैक्टर के अंदर जो कीमत किसान या डीलरशिप लेती है ना, वो वैसे नहीं लेती। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाने भूल गया था, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो पीछे के टायर मिलते हैं, मिलते हैं 16 और 28 की। ट्रैक्टर पीछे चौड़ा है, भारी भी है, तो अगर आपको ट्रोला खींचना है, लोड का काम करना, उसमें आपको ज़्यादा बैलेंस होकर चलता है ट्रैक्टर, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। और वो ट्रैक्टर आपको 14 और 28 का, वो स्पेशल फार्मिंग के लिए है, यानी कि आपको अपनी खेती करनी हो तो 551 वो वाला लेना, और आपको अगर सब कुछ मल्टीपर्स काम करना हो तो इसी वाला ट्रैक्टर लेना। हाँ, एक चीज़ और भूल गया, देखो बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने भूल जाऊँगा। इसके अंदर आपको जो ग्रैब रेल मिल जाती है, वो कुर्सीनुमा मिलती है, देख सकते हो इस तरह की। मैं उस ट्रैक्टर की भी आपको दिखाता हूँ एक बार। इसकी देख सकते हो ग्रैब रेल कैसी है, बिल्कुल सिंपल पाइपनुमा, ठीक है ना। तो ये बहुत अंतर है। अभी भी मैं एक दो अंतर भूल रहा हूँ जो मेरे ध्यान में नहीं है, यहाँ तक कि जो इंटरनली पार्ट होते हैं, जो मुझे भी नहीं पता, एक इंजीनियर जानता है, उसको मेरे से भी ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो ऐसा नहीं जो 30-40 हज़ार रुपये कंपनी फालतू जो तुमसे चार्ज कर रही है, वो ऐसे ही खामखा ले लेती हो, उसका कुछ ना कुछ आपको देती ज़रूर है। तो अभी हम आ चुके हैं सिंपल वाले ट्रैक्टर पे, देख सकते हो सुपर प्लस नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है ना। और उधर सुपर प्लस वो खड़ा, ठीक है। मैं एक बार इसकी आवाज़ सुनाता हूँ ट्रैक्टर की आपको। स्टीयरिंग कटिंग देख लेते एक बार, फुल स्टीयरिंग पे, फुल स्टीयरिंग पे ये वाला ट्रैक्टर आपका ज़्यादा आवाज़ चेंज कर रहा है, ठीक है ना। आइए एक बार चलते हैं दूसरे वाले पे। तो अभी आ चुके हम सुपर प्लस पे, इधर देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है ना। एक बार इसकी आवाज़ सुन लेते हैं, आवाज़ में फ़र्क होगा, लेकिन वो मामूली सा होगा। अगर आपकी ईयरफोन कान पर लगी होगी तो ही शायद आप महसूस कर सकते हो। इसकी भारी आवाज़ है ट्रैक्टर की, स्टीयरिंग कटिंग देख लेते हैं, इसकी आवाज़ ज़्यादा नहीं बदल रही, यानी कि इस पर ट्रैक्टर पर लोड कम पड़ रहा पूरा स्ट्रिंग मोड़ने के बाद। तो फ़र्क बहुत है, कम से कम 10-11 फर्क मिल गए आपको। 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पर अगर इतने फ़र्क मिलते हैं तो आपको लेना चाहिए। अगर आपको सिर्फ अपनी खेती करनी है तो आपको सिंपल लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, थैंक यू।